वालेकुम, कैसे हैं आप सब? उम्मीद है सब ठीक होंगे, खुश होंगे, मजे में होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह हम भी खैरियत से हैं। तो जनाब चलिए, आज लंच में बनेगा रेशमी मसाला चिकन। तो देख लीजिए क्या क्या चीज़ों की ज़रूरत पड़ती है इसमें। मसाला ये है 1.25 किलो चिकन। तो चलिए इसमें मिला लेते हैं। सबसे इसको पहले मैरिनेट कर लेंगे। दो सौ ग्राम का डब्बा है ये, आधा डब्बा इसमें डाल देंगे। और ये है अमूल की फ्रेश क्रीम। अगर आपके पास ये नहीं है तो घर की जो क्रीम होती है उसको मिक्सी में फेंट लीजिए। दो चम्मच, तीन चम्मच, डाल लेते हैं नमक। और कुछ सूखे मसाले, एक टीस्पून धनिया पाउडर, एक टीस्पून लाल मिर्ची पाउडर और आधी टीस्पून हल्दी। थोड़ा से, एक टीस्पून से थोड़ा कम जीरा पाउडर। चलिए, अदरक लहसुन का पेस्ट, एक टेबल स्पून डाल के इसको अच्छी तरह मिला लेते हैं। चलिए हाथ से मिला लेंगे इसको। कुछ मिलाने के बाद इसको छोड़ देते हैं 15 मिनट के लिए। चलिए रख लेते हैं। अब एक पहले थोड़ा सा रिफाइंड ऑयल डालते हैं। अच्छी तरह गर्म हो जाए। आठ से दस काजू, इसको थोड़ा फ्राई कर लेते हैं। फ्राई करेंगे, ज्यादा फ्राई नहीं करेंगे इसको। इसको निकाल लेते हैं। अब इसमें ये तीन प्याज, इसको भी फ्राई कर लेंगे। मीडियम साइज की तीन प्याज है, इसको एकदम हल्का ब्राउन कर लेते हैं। अब ये गया एक नींबू का रस। कर देंगे गैस को बंद और इसको निकाल लेते हैं मिक्सी के जार में। इसी जार में डालेंगे तीन हरी मिर्च और ये जो काजू को ब्राउन करके रखे थे इसको, अब इसको चलिए पीस लेते हैं पहले। चलिए फिर से इसी कढ़ाई में थोड़ा सा तेल डाल लेते हैं, बस एक टेबल स्पून। तेल को अच्छी तरह गर्म होने देंगे। चलिए अब डाल लेंगे खड़ा मसाला, लौंग, इलायची, बड़ी इलायची और दालचीनी के दो टुकड़े और ये पेस्ट पर अच्छी तरह। अब ये जो पिसा हुआ मसाला है उसको डाल लेते हैं अच्छे से पूरा। डाल दिया। अब इसमें पानी बिल्कुल ही नहीं पड़ता है, ये जो दही का पानी है, चिकन का पानी है, प्याज का पानी है, उसी पानी में ये पकेगा। अब चलिए थोड़ा सा आंच को धीमी कर लेते हैं और ढक देंगे इसमें।
धीमे धीमे पक रहा है, इसी तरह पकेगा, पानी नहीं पड़ेगा इसमें बिल्कुल, बस इसी में गलना चाहिए चिकन, अच्छी तरह गल जाना चाहिए, इसमें गल जाएगी चिकन। चिकन गल गई है, चलिए अब इसको सिर्फ भूनेंगे खाली, ताकि पूरा तेल अच्छी तरह ऊपर आ जाए। डाल लेते हैं 1 टीस्पून गरम मसाला और थोड़ी सी कसूरी मेथी, हरा धनिया, सिर्फ भून भून के उतार लेंगे। रेशमी मलाई चिकन नान के साथ इसको खाइए, बहुत मज़े की लगती है, तो इंशाल्लाह आप लोगों को ज़रूर पसंद आएगी। अगर मेरी वीडियोस पसंद आती है तो मेरे चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा, और खा के बताइएगा कैसी लगी ये रेसिपी। इंशाल्लाह फिर मिलते हैं एक नए व्लॉग में, अल्लाह हाफिज़, हमेशा खुश रहिए, मुस्कुराते रहिए और दूसरों को भी खुश रखिए।